नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्ता। ट्रैफिक पुलिस G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लोगों की परेशानी से बचाने के लिए गूगल मैप और मैप के साथ बातचीत कर बंद रास्तों की जानकारी साझा करेगी। अगर कोई 8 से 10 सितंबर के बीच प्रगति मैदान के आसपास के रास्ते फोन पर सर्च करता है तो ये क्षेत्र बंद दिखेंगे। इसके साथ ही अगर कोई नई दिल्ली इलाके से होता हुआ दिल्ली के दूसरे हिस्सों में जाना चाहता है तो उसे मैप पर नए विकल्प मार्ग दिखाई देंगे। इसके अलावा यातायात पुलिस अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये जानकारी देगी। आपको बता दें, विशेष आयुक्त SS यादव ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने G20 शिखर सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। इस दौरान एक तरफ जहां विदेशी मेहमानों की आवाजाही को बेहतर ढंग से पूरा किया जाएगा तो वहीं दूसरी ओर वाहन चालकों को कम से कम परेशानियों का सामना करना होगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली के किसी भी हिस्से में मेट्रो से सफर करने पर पाबंदी नहीं होगी। नई दिल्ली इलाके में पैदल आवाजाही करने वालों पर भी कोई रोक नहीं होगी। सिर्फ बाहरी गाड़ियों को नई दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। आपको बता दें, उन्होंने बताया कि दिल्ली यातायात पुलिस स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए एक समर्पित एम्बुलेंस सहायता नियंत्रण कक्ष की सुविधा 7 सितंबर की रात 12 बजे से 11 सितंबर की रात 12 बजे तक शुरू करने जा रही है। यातायात पुलिसकर्मी कैट्स एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवा निदेशालय प्रमुख सरकारी और निजी अस्पताल के नियंत्रण कक्ष में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा शहर भर के प्रमुख जंक्शन पर चिकित्सा आपातकालीन वाहन सहायक दल तैनात किए जाएंगे। आपको बता दें, दक्षिण और पश्चिम दिल्ली से धौलाकुआ रिंग रोड, नारायण फ्लाईओवर, मायापुरी चौक, कीर्ति नगर मेन रोड, शादीपुर फ्लाईओवर, पूसा गोल चक्कर, पंचकुइया रोड, आउटर सर्कल नॉट प्लेस और चेस्टफोर्ड रोड होते हुए पहाड़गंज या मिंटो रोड से अजमेरी गेट की तरफ जा सकेंगे। आगे की रूट्स जानने के लिए और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।